वैसे सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में होते हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मैचेस, और अभी फिलहाल के हिसाब से बिग ई और रोमन रेंस का हो सकता है आमना सामना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या द न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन का मैच हो सकता है? अभी फिलहाल क्या है WWE के प्लान सर्वाइवर सीरीज के लिए? क्या वो रोमन वर्सेज बिग ई प्लान कर रही है या फिर ब्लड लाइन वर्सेज द न्यू डे का मैच, इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं बात। और क्या आने वाले स्मैकडाउन के शो में एक बार फिर से लेजनर शो पर दिखाई देंगे? और बॉबी लैशली को लेकर भी WWE के पास है कुछ बड़े प्लान्स जब वो हार गए हैं अपनी WWE टाइटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करेंगे पहले क्विक अपडेट के साथ में, ये जुड़ी है NXT सुपरस्टार पीट डन के बारे में। और जैसा रिसेंटली अपडेट्स आ रहे थे सामने कि एडम कोल के साथ साथ जो पीट डन का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है। एडम कोल तो चलो WWE को लीव कर गए, लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि पीट डन ने WWE के साथ रीसाइन कर लिया है। ये जो अपडेट है वो आज सुबह सुबह आती है सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, और फाइटफुल सिलेक्ट ये बात कंफर्म करता है कि ट्रिपल एच ने पर्सनल वे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था पीट डन को, और जो पीट डन है उन्होंने हंसी खुशी इस कॉन्ट्रैक्ट को किया एक्सेप्ट। और ये जो पूरी डील है वो 3 साल यानी कि 3 ईयर की डील होगी, और पीट डन 3 साल तक तो WWE से कहीं भी नहीं जाएंगे। होप ये करूंगा कि जब भी उनका मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू वो काफी कमाल का हो, आते सर उन्हें कुछ अच्छे फ्यूड्स के अंदर बुक किया जाए। अब जब से एडम कोल गए WWE से या फिर NXT के शो से, तब से WWE क्या ट्राई कर रही है, वो अपने जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनको पहले रीसाइन हमें करवाती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक्सपायर होने के लिए 1 हफ्ता बाकी है और आपको तब पता लगा कि इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि एडम कोल की सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी। इसलिए काफी जल्दी जितने भी NXT स्टार्स के इस ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे उन सभी को WWE हमें जरूर रीसाइन करवाती हुई नजर आएगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है अपने फॉर्मर WWE चैंपियन द सख्त लौंडे फॉर्मर लौंडियाबाज बॉबी लैशली के बारे में। भाई लौंडियाबाज हम लोग ऐसे मजाक में कहते हैं, ज्यादा कुछ सीरियस वाली बात नहीं है कि भाई मैं लैशली को यहाँ डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं लैशली की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी जो टाइटल रेन है मुझे सही में काफी कमाल की लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लैशली अब WWE टाइटल हार चुके हैं, तो क्या होने वाले उनके फ्यूचर प्लान्स, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे? जब आने वाले टाइम में गुलबर्ग के साथ उनका मैच होने वाला है, और क्या अब बॉबी लैशली जाने वाले हैं स्मैकडाउन में? तो इसको लेकर जो अपडेट्स आई हैं सामने वो काफी ज्यादा कमाल की आई है केजी सैट्स की तरफ से, और केजी सैट्स ये बात कंफर्म करते हैं कि WWE प्लान कर रही है हर्ट बिजनेस का रियूनियन। एकदम सही सुन रहे हो, लैशली सेड्रिक अलेक्जेंडर शेल्टन बेंजामिन और MVP एक बार फिर से रियूनाइट हो सकते हैं, और माने जा रहे जो आने वाला रॉक एपिसोड होगा वहीं से इसकी शुरुआत हो सकती है। और MVP हमें समझाते हुए नजर आएंगे शेल्टन और सेड्रिक अलेक्जेंडर को कि भाई देखो तुम लोगों की भी सही बुकिंग हो नहीं रही है, ऐसे ना करो तुम लोग हर्ट बिजनेस के अंदर एक बार फिर से वापस आ जाओ। और WWE यहां पर ये दिखाना चाहेगी कि भाई जो लैशली है वो WWE चैंपियन तब बने थे जब वो हर्ट बिजनेस के अंदर थे, अब हर्ट बिजनेस उनसे दूर चलेगी, कुछ टाइम बाद लैशली टाइटल हार गए, इसलिए लैशली जरूर एक बार फिर से WWE टाइटल चाहेंगे और MVP ट्राई करेंगे दोनों को एक बार फिर से रीयूनाइट करने का। आई गेस WWE का ये जो डिसीजन है वो सही में काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर वो इन्हीं प्लान्स को हमें फाइनल में एग्जीक्यूट करती हुई नजर आती है। हर्ट बिजनेस एक बहुत ज्यादा कमाल की चीज थी मंडे नाइट रॉ में, अब वो थंडरडोम एरा के अंदर आई और थंडरडोम एरा के अंदर ही चली गई। मेरे हिसाब से लाइव फैंस को उस चीज को विटनेस करना चाहिए था, और अगर लाइव फैंस होते तो हर्ट बिजनेस मुझे नहीं ऐसा लगता कि इतनी जल्दी हमें ब्रेक होती हुई नजर आती। एक्चुअल में लगा ऐसा रहता उस टाइम कि WWE के पास आते कुछ स्टोर लाइन्स बची नहीं है, इसलिए मेन अट्रैक्शन के कारण उन्होंने अचानक से लैशली की हर्ट बिजनेस को ब्रेक कर दिया। अब अगर MVP उन्हें रियूनाइट करने का ट्राई करते हैं, अब लैशली बिना टाइटल के भी हर्ट बिजनेस के साथ में एक अच्छे बुक किए जा सकते हैं। और वैसे भी सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू काफी नजदीक आ रहा है, अगर टीम रॉ के अंदर ये चारों सुपरस्टार्स होते हैं तो भाई रॉ सही में काफी ज्यादा कमाल की होगी। हमने देखा रिसेंट टाइम में जो सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन है वो 24/7 टाइटल के पीछे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 100 गुना अच्छी उनकी ये वाली बुकिंग हो सकती है हर्ट बिजनेस के अंदर। मे बी हो सकता है एक बार फिर से वो रॉ के टैग टीम चैंपियन बन जाए, या फिर हो सकता है भाई एक 4v4 कमाल का मैच हो जाए ट्रेडिशनल मैच सर्वाइवर सीरीज शो में, या फिर 3v3 जो भी हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से हर्ट बिजनेस का रियूनियन एक बेस्ट चीज होने वाली है अगर WWE से करती है लैशली की टाइटल हारने के बाद। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है बी इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। हमें लेसनर आते हुए नजर रीसेंट स्मैकडाउन के शो में जो कि था मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला शो, लेकिन क्या जो लेसनर है वो आने वाले स्मैकडाउन के शो में होंगे? तो इसको लेकर जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग लेसनर की जो वापसी है वो आने वाले स्मैकडाउन के शो में बिल्कुल भी नहीं होगी, और अब जो लेसनर है किसी भी स्मैकडाउन के शो में दिखाई नहीं देंगे जो कि एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू से पहले होंगे। अब लेसनर को एक बार फिर से स्मैकडाउन के अंदर शो के लाने का मतलब ये था कहीं ऐसा ना उनकी जो रिटर्न की हाइप है पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इसलिए WWE ने ट्राई किया लेजनर को एक बार फिर से बुला लेते वापस फिर एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, तो डीमन बैलर वर्सेस रोमन का फ्यूड होगा।
इसलिए उस टाइम के बीच में हमें लेजनर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डीमन फिन बैलर रोमन का जो पूरा फ्यूड है उसे WWE बहुत इजी वे में बुक कर पाएगी। अब देखना ये होगा जो WWE ड्राफ्ट नाइट 1 होगी स्मैकडाउन की, वहां पर लेजनर शो अप होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट जरूर WWE के लिए एक बड़ी डील होता है। अगर उसमें लेजनर शामिल होते हैं तो क्या वो स्मैकडाउन में रहेंगे या फिर वो जाएंगे मंडे नाइट रॉ में? मजा आने वाला जब नेक्स्ट टाइम लेजनर होते हैं शो अप। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आने वाले शो पर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है, जो फाइनल न्यूज है, वो सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है। सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू ज्यादातर मशहूर है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के लिए, चैंपियन वर्सेस चैंपियन के लिए। अभी फिलहाल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज है, WWE चैंपियन है बिगी। तो क्या बिगी वर्सेस रोमन के बीच मैच होने वाला है या फिर कुछ ऐसी स्पेकुलेशंस भी आ रही हैं सामने कि मे बी WWE एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच प्लान कर सकती है जहां पर न्यू डे का हुआ आमना सामना अपनी ब्लड लाइन के साथ में। तो इसको लेकर जो अपडेट आई है सामने PW इनसाइडर की तरफ से आई, और PW इनसाइडर के हिसाब से अभी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर कोई भी कंफर्म प्लान्स नहीं है सर्वाइवर सीरीज शो के लिए कि बिगी वर्सेस रोमन होने वाला है या फिर ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे के बीच मैच होगा। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि जो दोनों आइडियाज हैं अभी फिलहाल टेबल के ऊपर प्लेस किए गए हैं, यानी कि दोनों आइडियाज को लेकर डिस्कशन चल रही है कि अगर भाई ये मैच हम लोग करवाएंगे तो किस तरीके से स्टोरी लाइन बिल्ड करनी पड़ेगी, अगर ये वाला मैच करवाएंगे तो किस तरीके से आगे स्टोरीज हम लोग बिल्ड कर पाएंगे। यानी कि कुल मिला के भी फिलहाल दोनों चीजें कार्ड्स के अंदर हैं, अभी फिलहाल दोनों चीजें पॉसिबल हैं सर्वाइवर सीरीज शो के लिए। अब देखो मेरे हिसाब से जो दोनों ऑप्शन है वो सही में काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब चाहे WWE दोनों में से कोई भी चॉइस कर ले, सर्वाइवर सीरीज एक बहुत कमाल का शो होने वाला है। अब मजा तब देखने में आएगा कि अगर रोमन बिगी का सिंगल्स मैच होता है, ऑफकोर्स वहां रोमन की जीत होने वाली है, लेकिन अगर न्यू डे वर्सेज ब्लड लाइन के बीच मैच होता है तो क्या उसमें ब्लड लाइन की हार होगी या फिर इस मैच में ब्लड लाइन दिखाने वाली अपनी डोमिनेशन? आपके हिसाब से WWE का कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सिंगल्स मैच या फिर ब्लड लाइन वर्सेज न्यू डे के बीच एक टैग टीम एलिमिनेशन मैच? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई जो आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। आने वाले टाइम में ऐसी और कमाल की अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।